हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अपने कम्युनिटी टैब को ओपन कर सकते हैं या फिर इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कम्युनिटी टैब अभी मेरे चैनल पे इनेबल हो चुका है। और इसके लिए मैंने क्या किया और ये आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको चार मेथड्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने कम्युनिटी टैब को ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मैंने 3 घंटे पहले ही कम्युनिटी टैब पेस्ट करके देखा था कि किस तरीके से वर्क करता है। और क्योंकि मेरे पास तो ये अभी आया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं भी आपके साथ साथ अपना चैनल ग्रो कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड एंड यूट्यूब वीडियो रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, सो दैट आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। पहले उससे पहले देख लेते हैं कि ये आपको दिखता कैसे है। तो यहाँ पे कम्युनिटी टैब का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप लोग इसको क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे आप देख पाएंगे। मेरे को ये आज कैसे पता चला, मैं अपनी वीडियो को अपलोड करने जा रहा था, मैंने यहाँ पे देखा कि ये इनेबल हो चुका है। तो अभी तक तो मेरे पास कोई मेल नहीं आया इसका कि ये इनेबल हो चुका है, ना तो कोई नोटिफिकेशन आई थी। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट किया तब मुझे पता चला, तब मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे भी आया, तो फिर मैंने एक ये भी पोस्ट भी करा यहाँ पे। तो और यहाँ से मेरे को ये इसका ओवरव्यू भी दिखा देता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कम्युनिटी टैब होता क्या है। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ भी कंटेंट अपने यूजर्स के साथ जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा उन तक आप पहुँचा सकते हैं। कम्युनिटी टैब के अंदर आप वीडियो डाल सकते हैं, पोल क्रिएट कर सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, या फिर आप किसी के चैनल का लिंक वगैरह भी डाल सकते हैं। तो वो आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन भी बता देगा किस तरीके से आपको करना है। किसी चैनल का नाम डालना तो आपको ऐट द रेट और उसके चैनल का जो नाम है वो वहाँ पे लिख दीजिए, वो आ जाएगा। सपोज़ मैं अपने चैनल का लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे चैनल का नाम आ चुका है। इसी तरीके से किसी भी चैनल का नाम यहाँ पे आएगा तो आप उसको शेयर कर सकते हैं या फिर पोल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है, या फिर अपनी कोई वीडियोस आप सजेस्ट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इमेज वगैरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, जब आपको पब्लिश करना है तो आप उसको कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये कम्युनिटी टैब होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आपका कम्युनिटी टैब जो है वो ओपन कैसे होता है। तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स है और YouTube के गाइडलाइंस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं कि ये इनेबल कैसे होता है। यहाँ पे एक लिंक आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ कम्युनिटी टैब एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको चेक नहीं करना तो मैं यहाँ पे आज आपको चार तरीके बताने वाला हूँ, उसके अंदर ये भी काउंट होता है। तो पहला जो तरीका है वो है आपका, देखिए यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर कम से कम होने चाहिए और ये आपका 1 to 1 week, मतलब अप टू 1 week के अंदर ये इनेबल हो जाएगा। मतलब अगर आपके सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हुए हैं, सोमवार है, तो अगले सोमवार तक ये आपके कम्युनिटी टैब में ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ओपन हो सकता है। अगर ये नहीं होता है तब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरे मेथड की हम बात करते हैं तो गाइडलाइंस क्या है तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि आपको अपने चैनल के अंदर एलिजिबिलिटी जो है वो ऑन करनी पड़ेगी। किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कस्टम लेआउट सेट करके। कस्टम लेआउट कैसे सेट करते हैं, बेसिकली अगर आपको मोबाइल से करना है तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल क्रोम के अंदर जाना है, वहाँ पे सर्च करना है youtube.com पे आएंगे, उसके बाद आपको कर लेना है डेस्कटॉप व्यू, और उसके बाद आपको कुछ आपका चैनल जो है वो इस टाइप का दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका चैनल इस टाइप का दिखेगा। अगर आपको नहीं दिखता है तो इस टाइप का youtube.com दिखेगा। अगर यहाँ से आपका youtube.com दिख जाता है तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से आ जाएंगे आप YouTube स्टूडियो के अंदर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने YouTube स्टूडियो का डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे आइकन्स मिलेंगे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे नीचे में आपको सेटिंग मिलेगा, मोबाइल के अंदर डिस्प्ले बड़ी होती है तो सेटिंग बहुत नीचे मिलेगा, तो मैं आपको पहले बता दूँ, फिर बाद में आप लोग कहेंगे कि सेटिंग नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से आपको सेटिंग का ही ऑप्शन मिल जाता है। और फिर हम बात करते हैं कि इसको आप लोग कैसे देख सकते हैं आपके सब्सक्राइबर वगैरह, वेरी इजीली यहाँ पे चैनल एनालिटिक्स है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर आप मोनेटाइजेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको एक हफ्ते का वेट कर लेना है। अगर नहीं आता है तो आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ से आप लोग जाएंगे अपने कस्टमाइजेशन के अंदर, कस्टमाइजेशन के ऊपर जब आएंगे तो आपको करना पड़ेगा अपने चैनल का ट्रेलर सेट। तो ये आपको ब्लैंक दिखेगा, आप इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर है, उसी तरीके से आपको ये दिखेगा। तो आप इसको अपनी कोई भी वीडियोस को यहाँ पे डाल सकते हैं, फीचर वीडियो को भी डाल सकते हैं अपने वीडियोस पे, जब भी कोई रिटर्न आता है तो उसका वीडियोस दिखे। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई आपके चैनल पे आएगा तो आपका चैनल किस टाइप का दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
और जब तक ये ओपन हो रहा है हम नीचे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे फीचर सेक्शन है, तो फीचर सेक्शन क्या है और ये सब क्या है तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल पे आया, तो यहाँ पे मेरे को ट्रेलर दिख जाएगा जो मैंने वीडियो सेट करी है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने ये वाली वीडियो लगाई है, हाउ टू प्रमोट वगैरह, तो यहाँ पे वो चैनल का लिंक आ गया है। एंड यहाँ से फिर क्या है, ये पॉपुलर अपलोड्स, क्रिएटेड प्लेलिस्ट, अपलोड्स एंड शॉर्ट्स, तो यहाँ पे मैंने ये चार चीज़ें लगाई हैं। तो ये चारों चीज़ मुझे यहाँ पे मिलेगी जब आपके चैनल पे कोई आएगा रिटर्न, तो या फिर आपके वीडियोस देख के कोई आपके चैनल पे रिटर्न आएगा तो उसको इस टाइप्स का दिखेगा, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, तो आपने क्या करना है, चैनल को सेट कर लेना है एंड ट्रेलर को इसको यहाँ से ऐड कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कई सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। मैंने इसके अंदर से अपलोड्स का, पॉपुलर अपलोड, शॉर्ट्स वीडियोस और ये सारे इनेबल कर रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ और लगाना तो आप उसको लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं लाइव नाउ का भी ओपन कर देता हूँ। अगर मैं कभी लाइव नाउ जाऊँगा तो यहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ। अभी मेरे चैनल पर कोई लाइव वगैरह नहीं चल रहा है तो मैं शायद इसको, हाँ यहाँ पर देखिए ये लाइव नाउ का ऑप्शन आ गया है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि लाइव नाउ सबसे ऊपर आ जाए, तो इसको मैं जस्ट क्लिक करूँगा और ये सबसे ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे फिर इसके बाद आपको कर देना है पब्लिश, पब्लिश पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप अपने चैनल पे जाएंगे और आपको लाइव नाउ दिख जाएगा यहाँ पे, अगर आपकी कोई लाइव वीडियोस चल रही होगी तो ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेटिंग कर सकते हैं चैनल की। ये दो सेटिंग करने के बाद, जो यूट्यूब की सेटिंग्स है, इसको करने के बाद भी अगर आपका इनेबल नहीं होता है एक हफ्ते के अंदर, तो आपको एक हफ्ते पहले जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो उससे पहले ही आप ये भी और देख लीजिए कि आपने जो वीडियोस डाली है वो मेड फॉर किड्स है या फिर कैसा है। तो इसको आप कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन है और यहाँ से आपको जाना है चैनल के अंदर और यहाँ से आपको थोड़ा सा एडवांस सेटिंग पे जाना है और नीचे करना है। यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले ही मिल जाएगा, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। तो यहाँ पे आपने कर देना नो, हम अपने चैनल को किड्स के लिए नहीं बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कर देना इसके ऊपर क्लिक और उसके बाद कर देना सेव चेंज। उसके बाद यहाँ पे तीन मेथड मैंने आपको बताया, अगर तब भी नहीं आता एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका कम्युनिटी टैब ऑन नहीं होता है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ चौथा मेथड, जो कि जिससे कि आपके चैनल पे कम्युनिटी टैब 100% ऑन हो जाएगा और एलिजिबल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब के अंदर आपको जाना पड़ेगा, यूट्यूब का जो ऐप होता है उसके अंदर, वहाँ से आप अपने चैनल पे जाइए। जब आप अपने चैनल पे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा ऊपर एक 3 डॉट का आइकन, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको मिलेगा हेल्प एंड फीडबैक, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद जो मेथड मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेम इसके अंदर भी करना है, अगर आपको डेस्कटॉप से ओपन करना है तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपने आइकन के ऊपर। जब आप अपने आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ से मिलेगा सेंड फीडबैक का ऑप्शन, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपके पास ऑटोमेटिकली ये स्क्रीनशॉट ले लेगा आपके इस डिस्प्ले का, जो भी पीछे बैकग्राउंड में होगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ ये किस टाइप से आपको दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये देखिए स्क्रीनशॉट इसने शायद ले लिया तभी ये टाइम ले रहा था। तो यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आप चाहते हैं अपना कस्टम स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा कम्युनिटी टैब अभी नहीं आया और इसको आप डन कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से मोबाइल के अंदर भी आता है, आप चाहें तो अपना खुद का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये पूरा डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले लेगा। और यहाँ से आपने लिखना है कुछ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में मैंने क्या लिखा था फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने एक वीक का वेट नहीं किया था, उससे पहले ही मेरे को कम्युनिटी टैब ओपन कराना था, तो मैंने इसी तरीके से फॉर्मेट उनको फीडबैक किया था। तो वो कैसे ऑन कर सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको सेम यही टेक्स्ट चाहिए तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दूंगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके लिख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपने इसको कॉपी करना है सेम एज इट इज़ और अपने फीडबैक के अंदर आना है और इसको पेस्ट कर देना है, बट नाम, चैनल लिंक और जो यहाँ पे चैनल का नाम है वो आपको अपना रखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऐट द रेट करके अपना इसका लिखा है, आप चाहें तो अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं, इसको हटा के जो भी आपका चैनल का नाम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से लिखना है लिख सकते हैं, अगर आपका जैसा पहले था वैसा करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अपने चैनल का नाम कस्टमाइजेशन के साथ कैसे रख सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स इसको करने के बाद आप इसको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, इसको मैंने अप्लाई किया था अपने चैनल पे 5 दिन पहले, आज से 25 तारीख को मैंने अप्लाई किया था। तो 25 तारीख को मैंने अप्लाई किया था, उस दिन संडे था और ये 30 तारीख है। आज जब मैं वीडियोस को यहाँ पे अपलोड करने के लिए गया तब मुझे ये ऑप्शन मिला। तो फ्रेंड्स 5 दिन के अंदर ये मेरा इनेबल हो गया था। तो आप लोग भी इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की ये हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना सो दैट आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।